दोस्तों आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और YouTube बेल आइकॉन दबाकर पाए दुनिया की सारी रोचक खबरें फटाफट। 14 मार्च का दिन बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के लिए बेहद खास है। बुधवार को ये एक्टर अपना 53वां जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। अपनी अगली फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से एक बार फिर आमिर बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड अपने नाम करने की तैयारी में है। आमिर खान की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने 2 शादियां की हैं और उनके 3 बच्चे हैं। आज हम आपको आमिर की जिंदगी का ऐसा राज बताएंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। एक समय था जब आमिर खान एक विदेशी जर्नलिस्ट से अफेयर को लेकर चर्चा में आ गए थे। आमिर खान की पहली शादी रीना दत्ता से हुई थी। उस समय आमिर की उम्र 21 साल थी। आमिर ने रीना के साथ 15 साल गुजारे। एक मैगजीन में छपी खबर के मुताबिक 1998 में फिल्म गुलाम की शूटिंग के दौरान आमिर की मुलाकात विदेशी जर्नलिस्ट जेसिका हाइन से हुई थी। मैगजीन के मुताबिक इस दौरान दोनों करीब आए और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साथ रहने के दौरान जेसिका प्रेग्नेंट हो गई थी। ये बात सुनकर तो आमिर की जिंदगी में जैसे तूफान आ गया। उन्होंने जेसिका पर अबॉर्शन का दबाव बनाना शुरू किया। कहा जाता है कि तब आमिर ने जेसिका से साफ लफ्जों में कह दिया था कि वो या तो बच्चा गिरा दे या फिर हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर दे। लेकिन जेसिका ने अबॉर्शन कराने से इनकार कर दिया और लंदन चली गई, जहां जेसिका ने बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम जान रखा। 2 या 3 साल के इस बच्चे की शक्ल आमिर से इतनी मिलती थी कि खबरची आमिर के इस बच्चे का पिता होने का दावा तक करने लगे। कहा जाता है कि जेसिका सिंगल मदर बनकर जान की परवरिश कर रही हैं। जान की शक्ल बिल्कुल आमिर से मिलती है। जान अब 13 साल का हो चुका है। हालांकि मीडिया कुछ भी कहे, लेकिन आमिर ने कभी इसको लेकर खुलकर बात नहीं की है। दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और ऐसी रोचक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। थैंक यू।